आज का इस कार्यक्रम नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई है, हमारा नागपुर ये उद्योग के दृष्टि से प्रगति और विकास पर जाए है, ये हमारे सबकी इच्छा भी होती है, प्रयास भी होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो हमारे विदर्भ के क्षेत्र के तरुण लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। और रोजगार मिले बिना हमारे यहाँ की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर नहीं होगी। एक तरफ हमारे विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की हालत भी अच्छी नहीं है, बड़े प्रमाण पर किसानों ने आत्महत्या की है, और इसलिए विदर्भ की इकोनॉमिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट, इसके साथ साथ विदर्भ की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होगी और किसानों की आत्महत्या रुकेगी और जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा, इसी मकसद को लेकर हम अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ 15 दिन पहले मैंने एक अध्ययन करके रिपोर्ट मुझे मिली कि जो जो प्रयास हमने पिछले 5-6 साल में किए हैं उसमें मिहान में 58,000 लोगों को रोजगार मिला है। और मुझे विश्वास है कि अभी और 2-3-4 साल जब पूरे होंगे तो 1,00,000 करोड़ पूरा करेंगे। पर बुटीगोरी हिंगना और बुटीबोरी MIDC और बुटीबोरी कलमेश्वर MIDC, ये तीनों में बाकी रोजगार समाधानकारक विकसित नहीं हुआ, ये संख्या बहुत कम है कृपाल जी। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ की इंडस्ट्री को और बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ से हमारी जो MSME मैक्सिमम यहाँ है, उनका एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, उनका हमारे देश में टर्नओवर कैसे बढ़े, नए प्रोडक्ट कैसे डेवलप हो, डिजाइनिंग कैसे हो, और इनोवेशन और रिसर्च के साथ ये सब बातों की तैयारी हमारी MSME जब करेगी, उनको मार्केट मिलेगा, तभी हमारे यहाँ के जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमारे पास करीब 46 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और इसलिए स्किल मैन पावर हमारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज से तैयार हो और हमारी विश्वेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, LIT है और हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब रिसर्च करके नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे जाए और विदर्भ और नागपुर को आगे ले जाए, ये हमारे सबके प्रयासों के पीछे भावना होती है। आज ये जो फाउंडेशन स्टोन ना, इसके लिए आज लेइंग डाउन हुआ है नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद मेरे मिनिस्ट्री में जब सबका नाम लिया जाता है तो एक मिनिस्ट्री छूट जाती है, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी मंत्री हूँ और ये जितने मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर मारुति तक, इनके सब रूल्स रेगुलेशन मेरे हाथ में है, तो ये पूरी इंडस्ट्री मेरे पास मिलती रहती है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि नागपुर में हमारा, हमारे वेंडर्स, हमारे MSME, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक अच्छा हब बने। अभी हमने ऑटोमोबाइल में काफ़ी चेंजेस मैंने किए हैं, हमने इमिशन के Euro 6 नॉर्म्स मैंने मैंडेटरी किए, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर गोयन का करके है, मुझे बहुत समझाते थे रोने के लिए आगे कि मैं कुछ भी करो एकदम ऐसा मत करो, तो मैंने उनको कहा आए तो मेरे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना, नहीं तो तुमको घसटते हुए लेके जाना ही है, मैं तक पक्का ले जाऊँगा। और हमने Euro 6 के इमिशन नॉर्म्स तय कर दिए और आज मुझे खुशी हो रही कि हमने ऑटोमोबाइल में ये इसका स्टैंडर्ड लगभग मेंटेन करके हम आगे निकल गए और सक्सेस हो गए। अभी हम लोग फ्यूल में काम कर रहे हैं कि 8,00,000 करोड़ का जो हमारा पेट्रोल डीजल आता है, इसके बजाय इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, BioCNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल में काम कर रहे हैं। अभी मैं लगातार नागपुर में लोगों को कहता हूँ, अभी 2 प्रोजेक्ट का तो कंसल्टेंट मैं हूँ,
एक कौस्तुभ गुप्ता को मैंने, प्रथमेश गुप्ता के लड़के को कहा है कि अब हमारी बसेस हम बायो सीएनजी पर कन्वर्ट करें, और उसने अभी लगभग 100 बसेस कन्वर्ट की सक्सेसफुली महानगर पालिका की, और 300 हो जाएगी, और महानगर पालिका के सभी कार वगैरह सब सीएनजी में कन्वर्ट हो गई। अब सीएनजी की ऑटो रिक्शा आई है, बसेस आई है, और मारुति ने सीएनजी की कार तक लाई है, बजाज ने ऑटो रिक्शा भी लाई है। अब सीएनजी का काफ़ी बड़े प्रमाण पे काम हो रहा है, अभी उसने भी काफ़ी अच्छे पंप भी डाले हैं और काफ़ी विकसित हो रहा है। दूसरा हमारा एलएनजी है, एलएनजी ये हमारा भविष्य का फ्यूल है, और इतना इसमें रिवोल्यूशनरी चेंज है कि एक ट्रक को अगर डीजल से एलएनजी में चेंज करते तो 12 लाख रुपए का खर्चा आता है, और ये 12 लाख रुपए केवल 2 साल में वसूल होते हैं, इतना इकोनॉमिक्स अच्छा है। तो सुरेश शर्मा जो बैद्यनाथ के, उनका जो लड़का है प्रणय, उसको मैंने पूरे इसके बारे में उसको बहुत जानकारियाँ दी, मदद भी की, और अभी प्यारे खान करके हमारे अब बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, 2,000 ट्रक है उनके पास, और उन्होंने तय किया कि उनके 2,000 ट्रक वो एलएनजी पे कन्वर्ट करने का प्रपोजल उन्होंने बैंक को दिया है। और नागपुर से जबलपुर, नागपुर से मुंबई, नागपुर से पुणे, और नागपुर से हैदराबाद, नागपुर से गढ़चिरौली, सब हम रायपुर, ये एलएनजी कन्वर्ट करेंगे, एलएनजी के स्टेशंस करेंगे, और एलएनजी पर आने से हमारा टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। अब तो एलएनजी का ये काम हो रहा, तो एलएनजी की किट्स और लेकर बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। जो कार्बन स्टील के जो कंपोजिट सिलेंडर्स है उसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर का टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ का है, और अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी काम चल रहा है, और इलेक्ट्रिक कार पर भी काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस फ्यूचर है। और मैं अपने खुद का घर का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैंने एक MG हेक्टर की SUV को लॉन्च किया इलेक्ट्रिक के, और मुझे बहुत पसंद है, मैंने उसको खरीद किया। वो मेरे पास, मैंने अभी नागिया के पास अपने एजेंसी है, मैंने खरीदी करके वो घर में लाई, थोड़े चलाई, बहुत अच्छी है, और उसका इकोनॉमिक्स इतना अच्छा है कि हमारे, मेरे बेटे ने मेरे को बिना पूछे 10 SUV लीज पर ले ली, और आज 10 गाड़ियाँ हमारे पास है, और एक गाड़ी के पीछे हमारे यहाँ 30,000 रुपये महीने की बचत हो रही है, यानी कम से कम 3 लाख रुपए की महीने बचत हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पर वो है, और हमारे लोग जो काम करने वाले अब SUV में घूमते हैं, जो अभी स्टाफ है, तो उसके की इलेक्ट्रिक की है, और घर में ही रात को चार्ज होती है। तो खुद मेरे घर पर उसका एक्सपेरिमेंट है। अब मैंने TVS की और बजाज की, दोनों की इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च की है, और अभी इलेक्ट्रिक बस भी एक हमारे पास है। वो बस, वो हैदराबाद का एक यूनिट है, मेधा इंजीनियरिंग करके कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे यहाँ बहुत काम करते हैं, 3-4 बार वो स्पेशल फ्लाइट से नागपुर, और मुझे कहे कि मुझे कुछ सेवा करने का मौका दो। तो मैं उनको पूछूँ क्या बताऊँ, तो मैंने उनको कहा कि ये इलेक्ट्रिक बस हमको डोनेशन में दे दो। वो ये समीर मेघे के घर पे रखी हुई है इनके कैंपस में, और नागपुर के सीनियर सिटीजन जो है उनको फुकट में घूमने के लिए हम वो बस देते हैं, और वो बस बहुत सुंदर है, अभी इलेक्ट्रिक बस है, सक्सेसफुली आप देख सकते हैं उसको। तो अब दो चीज़ें हमें महत्वपूर्ण करनी है कि हम लोग ये छोटे मोटे टर्नओवर करके ये कड़ी चट काम मत करिए, ये हमारे लोगों को छोड़ दो, हम ये नौकरी करने वाले टीचर वगैरह जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, आप लोग थोड़ा बड़ा काम करो, 100 करोड़ के ऊपर। अब MSME की मैंने लिमिट भी बढ़ा दी है, और पूरी व्याख्या भी बदल दी है, तो वो 5-10-15 करोड़ में वही मित्तकाल करके, वही वही ठोकताले करके, वो उससे कोई ना नागपुर का भविष्य बदलेगा ना आपका बदलेगा। अभी लो एम इज क्राइम, लेट अस प्लान इट फॉर समथिंग बिग, और ये आप कर सकते हैं। आप दिन भर बिजनेस करते, मैं तो सोशल वर्कर हूं, और ना मुझे बिजनेस समझता है, पर मेरे प्रयोग और सोशल वर्क करते करते मेरा 1,300 करोड़ टर्नओवर हो गया,
और तुम अभी बिजनेसमैन होने के बाद भी 50-100 करोड़ 150 करोड़ के इधर उधर क्यों घूमते हैं? ये जितने डायरेक्टर है उसने 500-500 करोड़ का टर्नओवर करना चाहिए साल का, तब नागपुर का विकास होगा। और ये करने के लिए हमें सेमी डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार है। दो चीज़ें मुझे लगती है जिसमें करनी चाहिए कि जैसे हिंदुस्तान को 5 साल के अंदर इलेक्ट्रिक का ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का मैंने निर्णय किया है। एक 4 दिन पहले मेरे पास मर्सिडीज बेंज के एमडी आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इलेक्ट्रिक ट्रक हम जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अपने घर पर जेसीबी का जेसीबी अभी सीएनजी पर चलाने वाला जेसीबी मैंने लॉन्च किया, और अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को बुलडोजर से लेकर वो पेवर तक सब बातों को मैंने कहा एलएनजी पे या सीएनजी पे कन्वर्ट करो, एकदम इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। ये एक बात अगर हमने की तो मैं हमारे रोड डिपार्टमेंट में 20,000 करोड़ साल के बच जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी को इसको चेंज करने के लिए अब कंपनियां भी लगी है, क्योंकि मैं तो सबके पीछे डंडा लेके ही बैठता हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि ये करने के लिए पार्लेवार जी के साथ बैठकर आप तय करिए कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है एसयूवी ट्रक बसेस स्कूटर ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर, इसके लिए जो स्पेयर्स लगते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग हब नागपुर बन सकता है क्या? एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इसमें आप काम करिए। एल्यूमिनियम स्टील सब आपने आज ये टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया, इसमें वीआरसी को भी साथ लीजिए, डॉक्टर पडोली जी को, पार्लेवार जी है, और इसमें हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को लो। और जो चाइना से पार्ट अभी एक मैग्नेट है वो मेरे अभी ई व्हीकल के साथ कॉन्फ्रेंस हुई 4 दिन पहले, हाँ एनडीएफ, ये नागपुर का लड़का है जोशी करके शंकर नगर का, ये इसने बीटेक किया है, और बीटेक करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मेरिट है। अब ये मेरा ओएसडी है ट्रांसपोर्ट का, यही इंचार्ज है, इसको और पार्लेवार को पकड़ो आप, ये सब मर्सिडीज से लेकर बीएमडब्ल्यू से लेकर सब एमडी इसके पास आते हैं, सबको जानता है। अब इसको पूरी जानकारी, और मैंने बोला कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के 100% पार्ट इंडिया में बनने चाहिए, हम इंपोर्ट करने वाले नहीं, हम एक्सपोर्ट करने वाले बने। इफ यू वॉन्ट टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर वी नीड टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस अवर इम्पोर्ट्स। और इसके लिए हम अपने यहाँ ये सब पार्ट्स के बारे में, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मेरे पास है, एमएसएमई भी मेरे पास है, तो आप ये नागपुर की बूटी बोरी हिंगणा और नागपुर ये तीन इकट्ठा करो। अब ये तीनों एरिया को, और मैं तो आगे कहूँगा कि उमरेड से लेकर गढ़चिरौली तक भी जाओ, ताकि विदर्भ के इंडस्ट्री को इसका फायदा हो, और सब मिलकर आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसके लिए लगने वाले पार्ट्स उसके वेंडर नागपुर में डेवलप हो, और उसके लिए आप योजना तैयार करो। मैं भारत सरकार की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से और एमएसएमई से आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और ये एक काम करने से ये फ्यूचर है, फ्यूचरोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड स्किल वी नेम इट इज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ, ये फ्यूचर है। एंड फ्यूचर के लिए सोचना ये इंडस्ट्री के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो वही वही काम करने में कोई मजा नहीं है, बदलना चाहिए। और इसलिए समय के साथ जो जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना, इनोवेशन और रिसर्च के कारण जो टेक्नोलॉजी आई है उसको एडॉप्ट करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कम करना और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना और मार्केट अवेलेबल करके देना, ये हमें करना है। और इसलिए ई व्हीकल ये एक पहला एजेंडा आप लो, और दूसरा एजेंडा मेरा है वो एविएशन इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा है। हमारा नागपुर एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। आप सबको पता होगा कि यहाँ जो टाल अपनी इंडस्ट्री आई है टाटा की, पटोले सर है यही, तो आप ये टाल में अभी एयरबस और बोइंग दोनों का काम चलता है, एक हिंदुस्तान है और एक पाकिस्तान है, दोनों के लोग इधर उधर नहीं जाते, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, दोनों ने कहा कि तुम इधर नहीं आना और तुमने इधर नहीं जाना।
मैं गया था दोनों में क्योंकि इनाग्रेशन के लिए, और लड़के सब अपने यहाँ कामठी मऊदा इधर उधर के छोटे छोटे गांव के लड़के काम करते हैं। और वो अभी एयरबस और बोइंग के 1100 1150 पार्ट्स यहाँ तैयार करते हैं। फिर हमने डोसाल्ट लाया, अभी डोसाल्ट का कल ही कार्यक्रम हुआ, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया था। अब डोसाल्ट का यहाँ एविएशन का काम है, और जो राफेल करके फाइटर जेट है वो अभी यहाँ बनने वाला है, और राफेल के साथ एक फॉल्कन करके उनका फ्लाइट है जो 11 सीटर है। और मुझे फ्रांस में जो एमडी है उन्होंने मिलकर कहा है कि 2022 में फॉल्कन जेट जो है वर्ल्ड में जाएंगे, वो पूरे नागपुर में बनेंगे। अब ये फॉल्कन भी बनेगा, तो मैंने उनको कहा कि मेरा एक सपना है, मैं आपको 10,000 हवाई जहाज के ऑर्डर मिला के देता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या है, तो उन्होंने बोला इसको फ्लोट लगा दो और इसको MPBS सी प्लेन में कन्वर्ट कर दो। और मैंने उस समय इसके पीछे बैठकर जो नियम लगाए थे वो MPBS सी प्लेन अब वल्लभ भाई पटेल जी के स्मारक को देखने के लिए वो लग के चालू हो गया। और स्पाइस जेट को जिसको मैंने ये मदद की और इनको मोटिवेट किया था, अजय सिंह को, अभी 8 दिन पहले ही मेरे आकर मुझे बताया कि अब मैं 100 हवाई जहाज खरीदने वाला हूँ जो पानी पे भी उतरेंगे और एयर स्ट्रिप पे भी उतरेंगे। और ये मेरा ड्रीम है कि अब एयरपोर्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमको यहाँ से ताड़ोबा जाना है या शेगांव जाना है या शिरडी जाना है, तो हम अम्बाझरी तालाब से उड़ेंगे और डायरेक्ट वहाँ उतर जाएंगे। तो ये दिन अब दूर नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई की तरफ जल्दी 2 साल में होगा। तो ये MPBS सी प्लेन है, ये 10,000 से ज़्यादा देश में लगेंगे। और ये जो पंखे वाला विमान था वही इंजन है, वही 18 सीटर 12 सीटर 8 सीटर वाले, और उसको नीचे में केवल फ्लोट लगाया। तो मैंने डोसाल को कहा कि आप जब जेट इंजन का जो है वो तो विटी कोई कंपनी उनके है, बाकी आप यहाँ बनाओ। तो MPBS सी प्लेन और एविएशन के एक मैन्युफैक्चरिंग हब नागपुर बन सकता है, और इसमें मेटल में जितना काम होगा, एल्यूमिनियम में होगा, स्टील में होगा, उस टाइप की सब फाउंड्रीज इंडस्ट्रीज अपने यहाँ डेवलप हो सकती है। मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर एक पक्का है कि मुझे लगता है कि जो ऑटोमोबाइल में जो स्पेयर पार्ट्स तैयार करेंगे, शायद उसी स्पेसिमेन में अच्छे क्वालिटी के और परफेक्शन करके आप एविएशन के भी बना पाओगे। दोनों एक दूसरे के साथ पूरक हो गए, इसका स्टडी करना पड़ेगा। डॉक्टर पडोले है यहाँ, VRC इज़ ए वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, रिसर्च करना और ये करने के काम इसको अभी, ये जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट हम लोग चाइना से इंपोर्ट करें, और अभी मुझे कुणाल जोशी बता रहे थे कि वो 25 रुपये में मिलता था, होता है 30 रुपये में मिलता था, अब चाइना ने कोविड के बाद उसका 80 रुपये कीमत करा दिया। तो देर आर लॉट ऑफ मटेरियल जो चाइना से आता है वो हमारे देश में क्यों ना। मैं जब ये डेंटिस्ट की बात कर रहे, तो मैं एक डेंटिस्ट के पास गया था, तो मेरा 2 4 5 चक्कर होने के बाद मेरा 1.5 लाख का बिल हुआ। फिर मेरा लड़का गया, उसका 1 लाख का बिल हुआ। मैंने बोला डेंटिस्ट है, बहुत कमा रहा है, अच्छा चल रहा है धंधा इनका। तो मैंने देखा ये क्यों है, तो उनके पास जर्मनी की मशीनरी थी, और उसके साथ मैंने कहा फिर ये बाकी डेंटिस्ट, आज देश में 1 लाख डेंटिस्ट अपना काम कर सकते, इतनी ज़रूरत है गाँव में, शॉर्टेज है। पर उनके लिए जो मशीनरी लगती है वो हमारे यहाँ नहीं बनती। तो अभी पडोले साहब और कुछ डेंटिस्ट वो मिलकर इलेक्ट्रॉनिक IT का पूरा डिजिटल उसकी मशीनरी डेवलप करने का VRC में उनने प्रोजेक्ट लिया है, और वो अगर पूरा हुआ तो उसका क्लस्टर जैसे पार्लेवार जी ने कहा, वो मशीन लाखों में लगेगी और उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। मेडिकल डिवाइसेस में तो कितना बड़ा पोटेंशियल है। अभी हमारे यहाँ मेडिकल MRI जो है वो 6.5 करोड़ का है, और अपने MSME में अभी विशाखापट्टनम में हमने ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है उसमें बनाया, वो 96 लाख में है। तो आज कितनी कॉस्टली मशीनरी है, ये समीर के यहाँ कम से कम अभी 300 100 करोड़ की मशीनरी खरीदना है इनको, सब स्वीडन से, जर्मनी से और UK से आती है। हम ये क्यों नहीं काम कर सकते, हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी यंग टैलेंटेड ऐसी इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे पास है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपीरियंस है, और हम लोग अगर ये विजन रखकर काम करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा,
और हमारा तो इंटरेस्ट इतना ही है कि हमारे यहाँ के रोजगार, बच्चों को रोजगार कैसे मिले। मैं तो केवल एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर तक ही मैंने अपने को सीमित किया है, वही मैं अपने प्रयोगशाला मैंने बनाई है, और अभी तो मैं प्रयोग करने के लिए भी सरकार के पास जाता नहीं हूँ। अब मैं अपने खुद प्रयोग करके अपनी लेबोरेटरी और अपना काम खुद करता हूँ। 10-20 करोड़ मैं खर्चा करता हूँ, जो कहीं मिला मुझे तो उसमें डाल देता हूँ, पर ये इनके पीछे चक्कर काटना 7 साल, मैं समझ में नहीं आया 7 साल क्यों लगे। एक इंजीनियर को बोल दो इसका रिसर्च करो तो मुझे थोप दो, जिनको 7 साल डिले किया उनका तो ठिकाना मैं लगा देता हूँ बराबर, मैं उसी के लिए आया हूँ और मुझे कोई संकोच नहीं इसमें। जो काम 7 दिन में होता हो सकता है उसको 7 साल कैसे लगे। तो मैं इनको बोलते रहता हूँ मुझे बताओ कौन सा प्रोसीजर बदलना है, और मैं रोज बताता हूँ ये बताओ वो बताओ वो बदल दो वो बदल दो सब। मैंने खूब कंडीशन, मुझे समझाओ आप इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए, मैं अभी तक इधर का उधर कर डालता पूरा। मैं ये टॉलरेट भी नहीं कर सकता, सहन भी नहीं कर सकता, सुन भी नहीं सकता कि 7 साल क्यों गए। ऐसा देश नहीं चल सकता। 2-3 महीने में जो कहना हाँ कहो तो हाँ कहो, ना कहो तो ना कहो, निर्णय करो, ये डिले वाली बात नहीं चलेगी। तो ये 7 साल वाली कहानी तो मेरे समझ की बाहर है, मुझे कभी पता ही नहीं था, आपने बताई तो आप जरूर मुझे बताओ कि 7 साल किसने किसने लगाए, सबका बराबर काम फिटिंग करा और व्यवस्थित कर देता हूँ मैं, ये ऐसे नहीं चलेगा। और इसलिए आने वाले समय में विदर्भ के विकास में बड़े बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, रोजगार निर्माण होगा तो विदर्भ की प्रगति और विकास होगा, और यही हमारी सबकी भावना भी है। और इसलिए मुझे अभी लग रहा कि मैं बिहान में यशस्वी हुआ हूँ, पर मुझे संकोच भी नहीं होता कुछ बातों को से ऊपर। बूटी बोरी और हिंगणा और कड़मेश्वर में मुझे जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं मिली, शायद मैं समझ नहीं पाया यहाँ के प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि वहाँ अगर, वहाँ अभी TCS वाले आए थे मेरे पास MD, वो मुझे बता रहे थे कि अगले 4 साल में हम 40,000 लोगों को लेंगे। मैंने SCL कंपनी को लाया, उन्होंने अभी 2,500-3,000 उनके हुए और उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 साल में हम 15,000 तक जाएंगे। अब एक एक कंपनी इतना, अभी टेक महिंद्रा का भी कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, अभी कृपाल तुमाने जी ने करना चाहिए, अब तुम्हारी सरकार है महाराष्ट्र में तो जाके अभी जरा वो महिंद्रा का कुछ प्रॉब्लम है वो आने के लिए तैयार है। तो नेचुरली मुझे लगता है कि अब इस बार हमको मिहान में, जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हमारा टेंडर कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं नया टेंडर निकालो, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 7-8 महीने साल भर हुए वैसे ही बड़ा हुआ है, हमारा एयरपोर्ट पेंडिंग है और मैं भी मदद करने के लिए तैयार हूँ, देना है तो दो नहीं तो नया निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो अटका हुआ पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ के अनेक प्रोजेक्ट्स, जो अभी हम लोग मेट्रो रेल में ब्रॉडगेज मेट्रो कर रहे हैं, हाँ अच्छा हो गया, वो मुझे आपका सहयोग चाहिए, और उसमें VI के चेयरमैन से मेरा अनुरोध है कि 15-20 दिन में आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाओ। और मेरा कंसेप्ट ऐसा है कि हम ब्रॉडगेज मेट्रो शुरू कर रहे हैं देश में पहली बार, और ये नागपुर से अमरावती, अमरावती से नरखेड़, नरखेड़ से नागपुर आएगी, नागपुर से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से नागपुर आएगी, नागपुर से नरखेड़ तक रखा है, बैतूल तक ले जाने की मांग है, फिर नागपुर से वर्षा और नागपुर से चंद्रपुर और नागपुर से रामटेक और रामटेक से फिर वो चंद्रपुर और वहाँ जाएगी। ये पूरा एग्जिस्टिंग ब्रॉडगेज है और अभी ये नागपुर उमरेड़ वर्षा ये मीटर का ब्रॉडगेज में कन्वर्शन का काम शुरू हो गया है। तो कंसेप्ट ये है कि इसमें ये ब्रॉडगेज मेट्रो चलेगी, इसको अनुमति मिल गई है। अब ये परसों मेरी मीटिंग हुई और मैं भी प्रोफाइल अब पूरी तैयार हुई, इसीलिए मैं रुका था। अब इसमें कंसेप्ट मेरा ऐसा है कि पहले तो रोलिंग स्टॉक में 4-5 मेट्रो ये खरीदी कर रहे हैं, नागपुर मेट्रो उनको सैंक्शन हो गई, तो ये मेट्रो नागपुर से वर्धा, नरखेड़ और गोंदिया तक इधर चलेगी। इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नागपुर से अमरावती 1 घंटा 10 मिनट 12 मिनट में होगी और हर स्टेशन पर वो 1-1 मिनट रुकेगी और तुरंत स्पीड लेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी है। इसमें एक कंपनी है कलकत्ता की, चौधरी करके, वो 3 बार मुझे मिल के गए, उन्होंने इटली में एक कंपनी खरीदी, आनंद महिंद्रा ने भी खरीदी की डिज़ाइनिंग की, वैसे उन्होंने की है, और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में ब्रॉडगेज मेट्रो का डिज़ाइन वो करेंगे और एग्जिस्टिंग जो वेंडर से उसको उपयोग करके। मैंने उनको कहा है कि अभी आप VI में एक कार्यक्रम करो,
और कार्यक्रम करने के समय ऐसे 30 उद्योजक तैयार करो जिसको मैं एमएसएमई से लोन भी दूंगा कि वो जैसे प्रसन्न ट्रैवल है, खुराना ट्रैवल है, ऐसे हमारी मेट्रो की भी स्पाइस जेट है या जेट वैसी हमारे मेट्रो कंपनी की दो दो मेट्रो एक एक जन खरीदी करेगा। एक मेट्रो की कीमत मैक्सिमम 8 डब्बे की होगी, एयर कंडीशन होगी, डबल डेकर होगी, एक डब्बा फ्रूट वेजिटेबल और मिल्क के लिए होगा, एक में रेस्टोरेंट होगा, एयर होस्टेस जैसी लड़कियां होगी, पूरी एयर कंडीशन होगी चकाचक, और उसमें चाय कॉफ़ी सर्व होगा, और नागपुर से अमरावती 1 घंटा 10 मिनट में आएगा, गोंदिया शायद 1 घंटे में जाएगा, वर्धा 35 मिनट में जाएगा, और वो अजनी में आएगी, इतवारी स्टेशन पे आएगी और नागपुर के मेन स्टेशन पर आएंगे, और वहीं से वो नागपुर मेट्रो जो स्टैंडर्ड गेज है उसमें ट्रांसफ़र होंगे लोग, तो उससे उधर पारडी तक, हिंगणा तक और इधर फिर मिहान तक, बुटीबोरी तक उस पर जा सकेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आगे आकर ये जो दो दो मेट्रो खरीदने वाले या एक एक मेट्रो खरीदने वाले, खुराना ट्रैवल है, प्रसन्ना ट्रैवल है, ये जो है इन्हीं को बुलाओ और नागपुर और विदर्भ के ऐसे 30-40 उद्योगपति तैयार करो कि जिनका ड्राइवर मेट्रो का होगा और ड्राइविंग अंदर की अरेंजमेंट उनकी होगी, और रेलवे नागपुर मेट्रो को परमिशन देगी, सिग्नल सिस्टम और वही होगी, इसकी कैपिटल कॉस्ट मेट्रो की 350 करोड़ रुपये पर किलोमीटर है, और मैं जो मेट्रो की बात कर रहा हूँ जिसका मेरा प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है, इसकी 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, तो इसमें कोई कैपिटल कॉस्ट नहीं है। टिकट शायद लग्जरी बस से कम रहेगा, और एसी फर्स्ट क्लास चेयर कार और सेकंड क्लास चेयर कार दो होगी, और ये मेट्रो का 30-25 मेट्रो का ऑर्डर हम नागपुर में ही यहाँ वर्धा ज़िले में फैक्ट्री खोल के उसको दें, और वो 50 बनने से हमारे यहाँ एक इसका मैन्युफैक्चरिंग हब रोलिंग स्टॉक का बन जाएगा और सस्ते में मिलेगा हमको, और इससे हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी रिवोल्यूशनरी चेंज होगा और पूरे देश में ये मॉडल जाएगा, तो इसका बहुत डिमांड बढ़ेगी, तो ये ऑटोमोबाइल से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब इसका बनेगा, वो VIA उसको सिंक्रोनाइज करके उस इंडस्ट्री को डेवलप करे। जो इन्वेस्टर है वो दीक्षित साहब और मुझे 3 बार 4 बार मिल चुका है, तो उनका मॉडल कैसे करना है वो टेंडर करके ही करेंगे, तो उसमें हम लोग करें, और ये नागपुर के लिए एक फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ का कोई कैटरर, वो जो कैटरर है उसकी एक मेट्रो जाएगी, उसका नाम होगा एक मेट्रो पर, तो ऐसे हमारे यहाँ ही के एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ये मेट्रो चलाए, बाहर से कोई बड़ा उद्योगपति और कोई चेन ना आए, हमारे यहाँ के लोग ये 30-32-35 करोड़ की एक एक मेट्रो होगी। अब अंदाज मुझे मालूम नहीं 8 डब्बे की करना है, और ये इकोनॉमिकली वायबल है। अभी वर्धा से रोज कम से कम 70-80 हज़ार लोग नागपुर आते हैं, गोंदिया से आते हैं, भंडारा से आते हैं, ये नरखेड़ से आते हैं, तो ये सब लोग मेट्रो से आएंगे, और जैसे मुंबई डेवलप हुआ है वैसे कल्याण डोंबिवली तक, वैसे नागपुर सब तक डेवलप होगा, मऊदा लेकर छोटी छोटी स्मार्ट सिटी बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो नागपुर के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसमें काफ़ी रोजगार भी क्रिएट होगा। अभी नागपुर मेट्रो ने करीब 13,000 लोगों को रोजगार दिया है, और ये जो मेट्रो है ये 25,000 लोगों को देगी, इसमें सामान भी जाएगा और ये भी जाएगा, और ये प्रोजेक्ट को अभी मान्यता मिल गई है, और पहले रोलिंग स्टॉक और ये सब इसका काम शुरू हुआ है, और अभी दीक्षित ही बहुत अच्छे अधिकारी है मेट्रो के, और VIA और दीक्षित साहब मिलकर अगर ये एंटरप्रेनर्स तैयार करो, पार्लियार साहब को भी लो साथ में, और मुझे ये बताओ कि ये 30 लोग नागपुर और विदर्भ के होने चाहिए, ये मेरी इच्छा है, मैं ऐसा नियम नहीं बना सकता। कल कोई मुंबई दिल्ली का उद्योगपति आकर 4 गाड़ियां लेता है तो अच्छा है, उसका अधिकार है, पर मेरी इच्छा है कि यही के एंटरप्रेनर्स को मिले, तो प्रायोरिटी वाइज हम कोशिश करें कि यहाँ के लोग आगे आए, और उनकी दो दो गाड़ियाँ होगी, उनकी ट्रैवल कंपनी की जैसी बसेस है वैसी उनकी मेट्रो होगी ट्रैवल की, दिन भर चलेगी, और उसमें 8 डब्बे के बजाय एक आधे बार ट्रांसपोर्ट का माल ज़्यादा होगा तो 2 डब्बे वो लगा दो। तो ये अब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वायबल है, और ये प्रोजेक्ट के लिए आगे हम जाएंगे तो मुझे लगता बहुत उपयोगी होगा। ऐसे ही ऑटोमोबाइल, एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें तीनों में हम एक दूसरे के साथ मिलकर अगर काम करते तो फ़ायदा होगा। आज का ये जो नागपुर ऑटो और इंजीनियरिंग क्लस्टर का ये जो सभी डायरेक्टर्स है उनको मेरा अनुरोध है
कि ये 10-12 करोड़ का, यानी बहुत चिल्लर वाला है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। तो इसमें कौन सी मशीन आएगी, कौन सी नहीं आएगी? तो टेक्नोलॉजी सेंटर नागपुर जैसे जगह पर कम से कम 200 करोड़ का बनना चाहिए। अब आपने 60,000 स्क्वायर फीट की जगह ली है, तो बिल्डिंग में अंडरग्राउंड पार्किंग करो और ऊपर में 3 मंजिले बनाओ, और क्योंकि अब जगह यहाँ मिलेगी नहीं एमआईडीसी में, ये प्राइम जगह है। और इसमें आपको अपग्रेडेशन करने के लिए और कोई स्कीम होगी। अभी हमारे टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमने 6,000 करोड़ इसमें खर्चा किया है, और हमने पॉलिसी लाई है अभी कि टेक्नोलॉजी सेंटर सरकार नहीं चलेगी। हम टेक्नोलॉजी सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटी, इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को चलाने के लिए देने वाले हैं, और उनको कहेंगे कि आप स्किल भी करो, प्रोडक्ट भी डेवलप करो, वेंडर डेवलपमेंट के लिए भी मदद करो, डिजाइनिंग भी करो, और जो प्रॉफिट मिलेगा उससे आप एक्सपेंशन भी करो, तो उसके सब सेंटर्स भी खोलो। आज नागपुर में प्रॉफिटेबल हुआ तो उमरेड में खोलो, उमरेड में चला तो गढ़चिरौली में खोलो। तो मुझे लगता है इसी से इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, आईआईटीज के साथ भी हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट करें, ताकि उनके पास जो मैन पावर है, जो ट्रेनिंग सुविधा है, प्रोफेसर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, जो फॉरेन में जाकर उन्होंने स्टडी किया, उनके नॉलेज का भी उपयोग, और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, ये दोनों बातों को जोड़कर अगर होगा तो हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी गुना बढ़ेगा, और वो बहुत जल्दी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे पास अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो चारों हो गई, अब 5G भी आ रहा है, अब कम्युनिकेशन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, रोड इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, नागपुर लॉजिस्टिक हब बन सकता है। पार्लेवार साहब 0 मील नागपुर में है, अब मैं NHAI के तरफ से वो सिंधी में ड्राईपोर्ट बनो उसको हमने NHAI में एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, और अभी वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट हो, और मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैंने 6 कंटेनर ऑरेंजेस दुबई भेजे, बेचे, क्योंकि वो बोलते थे कि यार नागपुर के ऑरेंज खट्टे कोई खाता ही नहीं, अब मुझे 15-20 कंटेनर का और ऑर्डर आएगा, तो मैं यहाँ के किसानों को इकट्ठा करके वो उस करके मैं बेचता हूँ, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई बोलता है नहीं होता है तो मैं बोलता हूँ कैसा नहीं होता, हम करके देखते हैं। तो मैं एक बार जब गया था स्वीडन तो दुबई उतरा, और दुबई के सबसे बड़े 6 लोगों को मैंने बुलाया नाश्ते के लिए, और उनको नागपुरी संतरा लेके गया था 2 पिटारे उनको खिलाया मैंने, और मैंने बोला ये तुमको बेचना है। और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगले महीने में जब अंबिया का बार आएगा तो कम से कम हम 100 कंटेनर दुबई भेजेंगे, और यहाँ भाव 12 रुपये किलो है, हमने 32 रुपये किलो भाव दिया है किसानों को, 32 रुपये किलो। अभी ये कोई कठिन नहीं, और मैं ये सब अनुभव प्रयोग करता हूँ, कुछ आते घाटे में जाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 20 कंटेनर सब्जी हम लोग दुबई भेज रहे हैं, अब 7 कंटेनर मैं भेज रहा हूँ हमारे यहाँ कनाडा से जाता है, और अभी मैं 10 ग्रीन हाउस बना रहा हूँ एक एक एकड़ में पोखरा योजना में, और मैं उसमें से जो ऑर्गेनिक है वो तैयार करके उसको कम से कम 100 रुपये किलो कम से कम भाव मिले, और उसको पूरा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कनाडा के साथ। तो हमारे लोगों को जब तक डॉलर में बेचेंगे नहीं तो विदर्भ के किसानों को पैसा कहाँ से मिलेगा। तो आज निश्चित रूप से ये जो नए इनोवेशंस है उसमें VIA, आपकी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये आगे आए, और ये नए नए उपक्रम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाकर कम से कम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और एविएशन का और ट्रांसपोर्ट हब का, 3 बातों को आप लीडरशिप लीजिए इसकी। हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मैं 1 रुपये का करप्शन नहीं होने देता, किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नो करप्शन, और निर्णय प्रक्रिया को देखिए, करप्शन बिल्कुल नहीं होना, और रेड टैपिज्म तो बिल्कुल नहीं होना। निर्णय कर, हाँ बोल, नहीं तो नहीं बोल, बाजूट नहीं तो, 2 में से 1 फार्मूला पक्का। तो आप अभी ये कुछ बातों को, जो हमारी ग्रोथ है, इतने बड़े इंजन हमारे लगे देश में, हम लोग इतना काम कर रहे हैं, और नागपुर की गाड़ी पैसेंजर ट्रेन चल रही है, हमको अच्छा नहीं लगता। ये पैसेंजर ट्रेन में इंजन में तुम बैठे हो, VIA आप हो, वेद हो, बाकी लोग हैं, यू शुड टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ अवर पोजीशन। वी आर कीनली इंटरेस्टेड एंड फ्रॉम कोर ऑफ अवर हार्ट वी वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दिस रीजन एंड फॉर द पीपल ऑफ विदर्भा। तो मुझे लगता है कि आप जरूर इसका उपयोग उठाइए और इसको करिए, और इसका भी पार्लेवार जी, और इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर ये इंजीनियरिंग क्लस्टर बनाना है
तो इनमें और कुछ मशीन ऐड करने की कोई प्रोविजन, कोई योजना एक्सटेंशन की हो सकती है क्या, वो देखो और 10-20-25 करोड़ इनको मंजूर करके वो मशीन दो। बिल्डिंग बनाते समय अच्छी करो और ये ई व्हीकल में आप जाइए। फ्यूचर को 50 साल का सोच के ही हमारी नीतियाँ बननी चाहिए, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। और इसलिए पूरा सहयोग मैं करूँगा और आज इसकी अच्छी शुरुआत हुई है। मैं आप सबको 7 साल की देरी के बाद भी क्यों ना हो, आपका आज भूमि पूजन हुआ, वो जी NHI में मेरा भाषण हुआ तो बहुत दुनिया में घुमा हो, वो गूगल में सबसे ज़्यादा। अब मेरी आदत खराब है, मैं भी आदत से मजबूर हूँ, मुझसे सहन नहीं होता, तो डिले तो मुझे कभी पसंद नहीं आता। मेरे टेबल पर मैंने लिखा हुआ स्लोगन है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे ये पता नहीं, ये कारण मत बताओ कि आपकी विद्वत्ता का उपयोग करके कि व्हाई, व्हाट इज द रीज़न, डिले क्यों चल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि वी शुड मेक थिंग्स फास्ट, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड प्रोवाइड ए करप्शन फ्री सिस्टम विथ इंक्रीजिंग अवर एक्सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग अवर इम्पोर्ट टू मेक आत्मनिर्भर भारत। ये जरूर आप करिए, हमारा पूरा सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।